दोस्तों, आपने आज से पहले प्याज टमाटर की तो बहुत सारी ग्रेवीज बनाई है, लेकिन क्या आपने सिर्फ प्याज की ग्रेवी बनाई है? अगर आप ये सोच रहे हो दोस्तों कि ग्रेवी मीठी होने वाली है प्याज की वजह से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। प्याज का ट्रीटमेंट ही अलग है, जिससे कि टेस्ट ही एकदम अलग आता है। इसका टेस्ट एकदम देसी होने वाला है और आप इसको बना कर देखना, आपको बहुत पसंद आने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले ना आप क्या करना कि आप यहाँ पर एक कप सोया बड़ी लेना। मैंने लगभग 70 ग्राम तक सोया बड़ी ली है। एक चम्मच आप यहाँ पे विनेगर डालना और उसको गरम गरम पानी में भीगने के लिए छोड़ दिया है लगभग 10 से 12 मिनट के लिए। जब तक हम क्या करते हैं कि यहाँ पर चार प्याज को छिलकर मोटा मोटा काट लेते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, इनको फाइन चॉप बिल्कुल भी मत करना, मोटा मोटा ही रखना, तभी आप इसकी बढ़िया ग्रेवी बना पाओगे। कटिंग चॉपिंग आप कर ही रहे हो तो लगे हाथ आप आलूओं को भी काट लेना। मैंने यहाँ पर चार आलू लिए हैं और उनको एकदम बड़े बड़े चंकी साइज में काटा है। इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों, अगर हम छोटा छोटा काटेंगे तो जो कुकिंग टाइम है वो थोड़ा लंबा है, तो लंबे होने की वजह से वो एकदम गल जाएंगे और भत बन जाएंगे, यानी कि पेस्ट से बन जाएंगे। इस रेसिपी में एक चीज आपको और करनी है, वो ये है कि आप यहाँ पर अदरक को घिस देना, क्योंकि ये जो तरीका है ना, इसमें अदरक गलेगी बिल्कुल भी नहीं, उसको घिसना ही पड़ेगा, तभी वो सही से पकेगी। और अब सीधा चलते हैं प्रेशर कुकर में। मैंने यहाँ पर दोस्तों सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है, और इस रेसिपी में दोस्तों प्लीज सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करना, क्योंकि सरसों के तेल का अपना एक टेस्ट भी होता है जिससे वो बैलेंस आउट करता है सारी चीजों को, तो सरसों के तेल का ही यूज करना। एक करछी सरसों का तेल काफी होगा, और जैसे ही तेल एकदम गर्म हो जाए, उसे धुआं निकलने लग जाए, फिर आप डालना थोड़े से खड़े मसाले जो स्क्रीन पर मैंने लिखे ही है। आप इसके साथ डालना पूरी एक लहसुन, मैंने यहाँ पर बस लहसुन छिल कर डाली है, उसको काटा वाटा बिल्कुल भी नहीं है, और उसके साथ आप यहाँ पर कटे हुए प्याज डाल देना। जैसे ही प्याज में हल्का सा कलर आना शुरू हो जाए, ट्रांसलूसेंट से होने लग जाए, तो बस दोस्तों वो ही स्टेज है कि आप यहाँ पर अदरक डाल देना जो हमने घिसी थी। दो लहसुन की गांठ मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, उनका छिलका उतार कर अच्छे से धोकर। आप चाहो तो आप ये डाल सकते हो, या चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन ये जो तरीका है बिहारी स्टाइल ग्रेवी बनाने का, इसमें लहसुन की गांठ तो डलती ही डलती है और वो ही फ्लेवर एनहांस करती है। आप यहाँ पर इन सारी चीजों को अच्छे से भून लेना जब तक कि प्याज में रंग आना शुरू नहीं हो जाता, और जैसे ही रंग आने लग जाए तो ये सारी चीजें यहाँ पर डाल देना। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच तक नमक मैंने यहाँ पर डाला है, कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, स्पाइसी वाली लाल मिर्च डाली है, और 1 बड़ा चम्मच धनिया का डाला है। यानी कि सारे जो बेसिक मसाले डालने हैं वो इसी टाइम पर डाल दिए हैं। और मसाले डालने के बाद दोस्तों ज्यादा कुकिंग मत करना, नहीं तो मसाले जल भी सकते हैं और रेसिपी का टेस्ट भी खराब हो सकता है। तो थोड़ी देर तक ही भुनना, लगभग 1 मिनट तक या 2 मिनट तक, और फिर आप यहाँ पर पानी डाल देना। ज्यादा पानी मत डालना, बस इतना पानी ही डालना कि प्याज को कवर कर दे और प्याज को गलाने के काम आ जाए। ज्यादा डालोगे तो आपको आगे बहुत दिक्कत आएगी। बस पानी डालकर आप प्रेशर कुकर में 3 सीटी लगा देना एकदम लो फ्लेम पर, बहुत जल्दी आ जाएंगी और बहुत जल्दी कुकर ठंडा भी हो जाएगा। सीटी लगने के बाद जब तक कुकर ठंडा हो रहा था, तब तक की क्या करते हैं कि आलू और सोया बड़ी को हल्का सा तल लेते हैं। तो पैन में मैंने फिर से सरसों का तेल डाला है थोड़ा सा, 1 करछी ही काफी होगा, और उसमें आप सबसे पहले कटे हुए आलूओं को हल्का सा रोस्ट कर लेना। पहले दोस्तों आलूओं को ही करना, अगर पहले सोया को करोगे तो एक जादू हो जाता है उनमें। मैं अभी आपको बाद में दिखाऊंगा, सोया को रोस्ट करते वक्त आप देखकर शॉक्ड हो जाओगे। हाँ, लेकिन आलूओं को लो फ्लेम पर ही करना, और शुरुआत में ही आलूओं के साथ 1 चम्मच तक नमक डाल देना। नमक डालने से आलू एकदम बढ़िया सा फ्लेवर एब्जॉर्ब कर जाएंगे, उनके अंदर तक नमक घुस जाएगा। भाई ये बड़े साइज के आलू है ना, तो इनको फ्लेवर देना बहुत जरूरी है। मीडियम लो फ्लेम पर आराम आराम से आप इनको पकाना, जब तक कि आलूओं में ऐसी एक सरफेस नहीं बन जाती। आपने आलूओं को ब्राउन नहीं करना, सिर्फ उनकी बाहर की लेयर को पकाना है, और ऐसे मीडियम लो फ्लेम पर पकाने से आलू अंदर भी काफी हद तक पक जाएंगे, यानी कि आपके आलू लगभग 70-80% पक जाएंगे। मैं आपको काट के भी दिखा देता हूँ, ये देखो आप हल्के से नरम है ना अंदर से, बिल्कुल इस स्टेज तक आपको पकाना है दोस्तों, बाकी जो कुकिंग है वो ग्रेवी में आराम से हो जाएगी। रही बात सोया की, तो मैंने उनसे सारा पानी ड्रेन आउट कर दिया था और हल्का सा स्क्वीज भी कर दिया था, और फिर मैंने उसी तेल में यहाँ पर सोया बड़ी को डाल दिया है। इसमें भी शुरुआत में ही आप नमक डाल देना, लेकिन थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल देना, फ्लेवर इसके अंदर तक आ जाएगा। और अब वड़ी को आराम से रोस्ट कर लेना,
वड़ी के अंदर थोड़ा सा पानी होगा तो पहले पहले तो पानी निकलेगा उसका, तो धीरे धीरे करके वड़ी सारा तेल पी जाएगी और सारा फ्लेवर उसके अंदर घुस जाएगा। अब ये देखो पैन में तेल पूरा गायब हो गया ना, है ना बिल्कुल मैजिक। दोस्तों वड़ी बहुत ही रूखी होती है, बहुत ही खुश्क होती है, तो उसको सारा फ्लेवर हमें ही देना होता है। तो वड़ी क्या करती है, अगर आपने पहले बनाई होगी तो आपको पता होगा कि वो तेल सारा पी जाती है, बटर पी जाती है, तो वो ओवर ना पिए, एकदम सही अमाउंट में हो, इसलिए हमने ये स्टेप किया है ताकि एकदम बढ़िया टेस्ट आए। आप अच्छे से रोस्ट कर लेना जब तक कि वड़ी में ऐसा टेक्सचर ना आ जाए, हल्की सी ब्राउन ना हो जाए। और अगर मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा ना वड़ी, तो आप ये देखो दोस्तों क्या टेक्सचर निकल के आया है इसके अंदर, एकदम जालियां खुल गई हैं, यानी कि ये अच्छे से फ्लेवर एब्जॉर्ब कर चुकी है। और अगर मैं आपको प्रेस करके दिखाऊं तो आप ये देखो एकदम जूसी सी हो गई है, यानी कि फ्लेवर वड़ी के अंदर है। और ये जो स्प्रिंगीनेस है ना, ये बहुत जरूरी होती है वड़ी में। खैर इतनी देर में कुकर आपका ठंडा हो जाएगा, अब बस लास्ट की चीजें करनी है। मैं कुकर खोल के आपको दिखा देता हूँ कि आपकी ग्रेवी अभी बनी नहीं है अभी, लेकिन लहसुन जो है वो अच्छे से गल चुका है, प्याज जो है वो अच्छे से गल चुका है। तो आपने अब करना ये है कि जो बड़ी बड़ी लहसुन की गांठे हैं ना, आप इनको निकाल लेना, क्योंकि हमें इनको पीसना नहीं है, ये चूस के खाने के लिए है या फ्लेवर एनहांस करने के लिए। निकाल कर इनको रख देना साइड में, हम इनको एंड में फिर से डाल देंगे। अब बस गैस को ऑन करना, मीडियम फ्लेम पर रखना, और आपने अब सारा पानी उड़ाना है इस ग्रेवी से। और पानी उड़ाते वक्त आप इस ग्रेवी को चलाते रहें, जैसे जैसे आप चलाते रहोगे वैसे वैसे ये पेस्ट बनती जाएगी और आपको कोई मिक्सी या कोई ग्राइंडर की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आप बस अब एक ऐसी करछी लेना जो हल्की सी गोल हो और वो सरफेस को टच होती रहे, और प्रेशर कुकर के साइड में ऐसे दबाते रहना, मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेंगे। और करते करते जैसे जैसे पानी उड़ता जाएगा ना, वैसे वैसे एकदम फाइन पेस्ट बनता जाएगा दोस्तों ये। और आपने इसको तब तक भुनना है जब तक इसका सारा पानी गायब नहीं हो जाता। ये देखो कुछ ही मिनटों में इतना बढ़िया सा पेस्ट बन चुका है, बढ़िया लग रहा है ना दोस्तों। तो बस इस स्टेज पर जब आप आ जाओ, आप यहाँ पर वड़ी डाल देना, आलू डाल देना, इसके साथ साथ गरम मसाला मत भूनना, और वो जो लहसुन की गांठ आपने निकाली थी वो भी डाल देना। सारी चीजों को आप अच्छे से मिलाना ताकि मसाला एक एक कोने तक फैल जाए, और फिर पानी डालकर आपको सिर्फ इसको थोड़ी देर पकाना है, यानी कि बैलेंस आउट करना है, ताकि आलू का कच्चापन दूर हो जाए, वड़ी के अंदर तक फ्लेवर आ जाए और ग्रेवी एकदम बढ़िया तरीके से बन जाए। आप लगभग 1 से 1.5 कप पानी डालना और इसको ढक कर 10 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पर पकने देना। आलू बहुत अच्छे से पक जाएंगे दोस्तों और ग्रेवी भी सेट हो जाएगी। 10 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर गैस को बंद कर दिया था, एंड दैट्स इट दोस्तों। बढ़िया सी बिना टमाटर की बहुत ही अनोखी आलू वड़ी बनकर तैयार है। आपने ऐसी आलू वड़ी कहीं नहीं खाई होगी, इतने महंगे टमाटर खरीदने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। आप ये आलू वड़ी बना कर देखना, इसका टेस्ट सच में अमेजिंग आता है, और इसको सच में बनाना बिल्कुल बनता है। टेन, क्या आप जानते हो बिना प्याज टमाटर के आप बहुत ही अमेजिंग राजमा बना सकते हो? उसके लिए आप ये वाली वीडियो देखना, आपको बहुत अच्छी लगेगी और आपके बहुत काम आएगी।